क्रिकेट गेम को जो है डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर हमें कनेक्टिंग टू द रियल क्रिकेट सर्वर लिखा आ रहा है एंड ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही है, मतलब ये कुछ हो ही नहीं रहा कनेक्टिंग टू रियल क्रिकेट सर्वर। इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम फिक्स करने के या फिर क्यों आ रहा है वो जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए यहाँ पर हम लॉगिन करने के पेज पर तो है लेकिन फ़िलहाल कोई भी रिस्पॉन्स इस जो है सर्वर की तरफ से नहीं आ रहा है या फिर लॉगिन की जो इशू है वो हमें जो है आ रही है, कुछ भी हो नहीं रहा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं एक बार नेट कनेक्शन को ऑफ कर लेता हूँ देन चेक करते क्या काम करेगा। तो हमने नेट कनेक्शन को जो है कुछ टाइम के लिए ऑफ कर दिया है, यहाँ पर हमारा ये अभी भी चल रहा है तो वेट करते हैं क्या होता है इसको। यहाँ पर फिर से नेट हम ऑन करेंगे, कनेक्टिंग टू रियल सर्वर। अभी तो ये जो गेम लॉन्च हुआ है वो बीटा सर्वर होने की वजह से जो है अभी तो मतलब काफ़ी सारे लोग इसे टेस्ट कर रहे हैं बीटा सर्वर को एंड उस केस में जो है सर्वर लोडिंग नहीं ले रहा है, तो वेट कर देंगे क्या ये ओपन होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक बार इसे बैकग्राउंड से हटा देते हैं एंड फिर ट्राई करते हैं क्या ओपन होगा है। फिर से हम यहाँ से इसे बंद कर देते हैं और फिर से एक बार रियल क्रिकेट को खोलने की कोशिश करते हैं क्या ये खुलेगा या नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए फिर से वही पेज आता है, वेट करेंगे क्या ये ओपन होगा कि नहीं। फिर से कनेक्टिंग टू द रियल क्रिकेट सर्वर ही लिख कर आ रहा है, मतलब अभी तो ये जो है सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है एंड ये एक मिनट तक कनेक्टिंग टू द सर्वर ऐसे ही घूमता रहा एंड देन हमारा जो है प्रॉब्लम यहाँ से निकल चुकी है। अब हमें लॉग इन विद गूगल बताया जा रहा है तो हमारा जो लॉग इन है अब इस बार हो जाएगा। ठीक है, लॉग इन जो सर्वर का जो इश्यू था वो आपके फ़ोन में अगर आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली 1 से 1.5 मिनट तक वो घूमता रहेगा जो घूम रहा था मतलब, एंड उसके बाद जो ऑटोमेटिकली वो निकल जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अब मैं यहाँ से गूगल के थ्रू लॉग इन कर सकता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर।